मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है? सर, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स में नहीं होते, इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं। फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में सेम रीडिंग कब होती है? -40 degrees पर। डिफाइन फोर्स। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट? न्यूटन। प्राइम नंबर जानते हो? जी सर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ। सर, प्राइम नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सर, 1789 से 1799 तक। मोटो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? मोटो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। 2020 के समर ओलंपिक्स कहां होंगे? सर, टोक्यो, जापान। ग्लास में भरे पानी का वॉल्यूम कैसे निकालो? सर, पानी के हाइट को पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दी। मैडम चल, पढ़ा लिखा तो हम है नहीं, क्या बोलेंगे? डोंट वरी, तुमसे किताबी सवाल नहीं पूछेंगे। आइए चलो। कितने बच्चे हैं आपके? बस यही एक, बुलबुल कुमार। आप और क्या करती हैं? स्टील बर्तन का फैक्ट्री में बफिंग का काम करते हैं, डेली 8 घंटा। मगर बुलबुल को पढ़ाई छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं। बुलबुल को कभी ट्यूशन कोई कोचिंग दिलवाया है आपने? नहीं, वो कभी लेता ही नहीं। तो वो तो खुद ही पढ़ता है, शंभू, जेबा, रतन, मुनिया, सूरज, खलिया, बस्ती का सब बच्चा लोग को ट्यूशन देता है। स्कूल की फीस के बारे में वगैरह पता है आपको? हाँ, हम सब कर लिए हैं, वो फीस, ड्रेस, किताब, कॉपी, एडमिट चार्ज सब कर लिए हम। कोई डिफॉल्ट नहीं होने देंगे साहब। मैडम, ये रिक्शे वाले का बच्चा है, फ्रॉम द स्लम्स, और मदर तो लेबर का काम करती है बर्तन फैक्ट्री में। आप कैसे उसे? तो उसमें गलत क्या है? मेहनत करते हैं वो लोग। And the child is brilliant and well behaved. और आप लोग confident हैं? अच्छा perform करेगा? मैम, ये लड़का merit list में आ सकता है। चलो चलो, आ जा, आ जा। अरे, ये कौन बैठा है सीट पर? ये कौन है ये? वो सीट खाली था, मिस्टेक से बैठ गया। वो स्टूल पर बैठता है नीचे। यहाँ सफायर का ड्रेस पहन लिया तो क्या माथा पर बैठेगा? अपना औकात भूल गया रिक्शा वाला। माफी। उधर बेटा नवीन, नहीं जाना है इसमें। माफी कर दीजिए, वो बस ब्लंडर कर दिया हमारा बच्चा। नीचे बैठ। आप चलो, हम पैदल पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा, वो नीचे बैठना है, बस सीट पर नहीं बैठना है ना। बच्ची एक्सप्रेस से पहले पहुंच जाएंगे, शॉर्टकट से। बेटा आप इधर आए। सॉरी हो गया। अरे यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ। सॉरी हाजी। क्यों किया तुम ये चोरी और क्यों छुपा रहे हो? बैठो। हमने ही गलती है सब, सारे सब बर्बाद कर दिए। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, हमने औकात से बड़ा सपना देख लिया हजू, ऑल इंडिया स्कूल में पढ़ाने का। पार नहीं लगता था साहेब, तो कर्जा का पहाड़ खड़ा हो गया। खत्म कर दिया अपना बच्चा का लाइफ। बुलबुल को पता चल गया तो आपको कभी माफ नहीं करेगा साहिब। इससे पहले कि उसको पता चल जाए आपको फांसी में चढ़ा दीजिए हजू, आपको दया दिलवा दीजिए।
तुमने बच्चे के लिए किया मगर गलत किया। और ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश मीडियम से लोग आगे निकलते हैं, सरकारी स्कूल और स्टेट बोर्ड से भी लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं, सफल भी होते हैं। और मौका नहीं मिलता है ना साहब, हमरे उस्मान भाई कॉलेज पास करके कुछ नहीं हुआ, वो किताब बेचते हैं साहब सेकंड। हो सकता है उन्हें सही रास्ता ना मिला। हमें देखो, हम भी अपने गांव के स्कूल में पढ़े हैं। तुमने भले ही बच्चे के लिए किया हो लेकिन है तो गलत ही। कोर्ट से रियायत की बात भी करें तो भी सजा तो तुम्हें मिलेगी। उसका कोई बात नहीं है हजू, कोई बात नहीं है हजू, हम हर सजा भोगने को तैयार है, बस बोर्ड तक बुलबुल को पता नहीं चलना चाहिए साहब, वो पता नहीं चलना चाहिए साहब, वो हम चुपचाप हम सजा काट लेंगे साहब, हम चुपचाप सजा काट लेंगे, बस उसको पता ना चले, हमारे गलती का सजा साहब बुलबुल को नहीं मिलना चाहिए साहब। मुझे बहुत अफसोस है बुलबुल कि स्कूल बोर्ड का निर्णय तुम्हारे खिलाफ है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि तुम्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने दिया जाए। क्या इसीलिए कि मेरे पिताजी चोर हैं? ऑफ कोर्स, और ये आरोप कोर्ट में सिद्ध हो चुका है। वो तो जेल में अपने अपराध की सजा काट रहे हैं, मगर हमें किस अपराध की सजा मिल रही है? तुम्हारी पढ़ाई चोरी के पैसों से हो रही है और ये क्राइम है। बट सर, हमने तो अपने पढ़ाई में कभी चोरी नहीं की, सच्चाई और मेहनत से तैयारी की और सारी परीक्षा पूरी ईमानदारी से दी। आप चाहे तो हमारे किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। और सर, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मेरे पिताजी ने चोरी क्यों की। सर, दिन रात वो रिक्शा खींचते थे, मेरी माँ के हाथ खून खून हो जाते थे फैक्ट्री में खट खट के, मगर फिर भी वो लोग नहीं जुटा पाते थे स्कूल की फीस और खर्चा, तो पूरा करने के लिए चोरी करते थे, ये उनकी मजबूरी थी। आप प्लीज मुझे इस परीक्षा में बैठने से मत रोकिए। ये स्कूल हमारे लिए भी महान है सर, सब कुछ यहीं से मिला है, मौका मिला है, जिंदगी में आगे बढ़ना भी यहीं से सीखा है। अब समय आया है स्कूल के लिए कुछ करने का। सर, टॉपर हूं मैं अपने क्लास का, बोर्ड में अपने महान स्कूल का नाम ऊपर लाऊंगा। ये परीक्षा मत छीनिए हमसे। जाओ, तैयारी करो, कोई नहीं रोक सकता तुमको, अभी परीक्षा भी नहीं। Congratulations. Thank you, madam. तुम लोगों को भी बहुत बहुत congratulations.